वेलकम बैक टू द चैनल। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अपने चैप्टर एमीन्स की, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा बायोलॉजिकली एक्टिव ग्रुप है हमारा एमीन, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ क्रिएट करता है ये एमीन्स। तो जाहिर सी बात है बहुत सारी मेडिसिंस में इसका यूज़ होता होगा, साथ ही साथ ये बहुत सारे फैब्रिक्स बनाने में भी काम आता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर एमीन्स। तो एमीन्स क्या होते हैं सबसे पहले ये देखते हैं। आप लोगों ने आज तक ये देखा हुआ है कि NH3 को हम लोग अमोनिया कहते हैं। अगर मैं NH3 की बात करूँ, NH3 की अगर मैं बात करूँ, जो कि मैंने बिल्कुल गलत स्ट्रक्चर बनाया है इसका, ठीक है। NH3 का स्ट्रक्चर होता है आप लोगों का पिरामिडल, जो स्ट्रक्चर हम लोग बाद में डील करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात हम लोग बाद में करेंगे, बट फर्दर आप लोगों को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने एकदम गलत स्ट्रक्चर बनाया है। तो आप लोग ये देखिए कि नाइट्रोजन के साथ में 3 हाइड्रोजन होते हैं। नाइट्रोजन के साथ में अगर आप लोग 3 हाइड्रोजन लगाते हैं तो इसको आप लोग बोलते हैं अमोनिया। तो ये है अमोनिया। अब अमोनिया के अंदर अगर आप H ग्रुप हटा के कोई एल्काइल या कोई एराइल ग्रुप लगा देंगे, यानी कि मैंने यहाँ पे लगा दिया है R, कोई एल्काइल यानी कि कार्बन का कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा देंगे, तो ये बनने वाली स्पीशी आप लोगों की एमीन्स कहलाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं एमीन्स आप लोगों के तब बनेंगे जब आप अमोनिया में 1 हाइड्रोजन हटाएंगे और एल्काइल ग्रुप लगा देंगे। तो आई होप आप लोगों को एमीन समझ में आ गया होगा। फर्दर अगर मैं बात करूं एमीन्स की, तो आप लोगों को सबसे सिंपल एमीन मैं आप लोगों को बना के दिखा देता हूं, ठीक है। दिस इज नोन एज मिथाइल एमीन, दिस इज नोन एज मिथाइल एमीन, सही है। इसके बाद एराइल एमीन्स भी होते हैं, ठीक है। ये एल्काइल एमीन है, ठीक है। ये क्या है? एल्काइल एमीन। ये है एल्काइल एमीन, ठीक है। अगर मैं एराइल एमीन की बात करूंगा, तो आप लोग यहां पे बेंजीन रिंग लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा? बेंजीन रिंग लगा दीजिएगा, तो ये क्या बन जाएगा? ये एराइल एमीन बन जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से आप लोग ये कह सकते हैं कि अगर आप लोगों ने यहां पे भी हाइड्रोजन हटा के आर ग्रुप लगाना है, तो क्या ये एमीन है? बिल्कुल, ये अभी भी एमीन है। नाइट्रोजन के 3 ग्रुप हैं, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड जब तक बनाता रहेगा वो आप लोगों का एमीन ही कहलाता रहेगा, आप लोगों का एमीन्स ही कहलाता रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा आप लोगों से, तो मैं आप लोगों के लिए ये लीजिए 3 हाइड्रोजन हटा करके 3 ग्रुप लगा देता हूँ। अगर मैंने 3 हाइड्रोजन हटा करके 3 मिथाइल ग्रुप लगा दिए, तो यहाँ पर क्या ये अभी एमीन है? ये बिल्कुल एमीन है। तो चलिए हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री की बात करते हैं, यानी कि हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन की बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग डिस्क्राइब करेंगे एमीन्स को ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी वो होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है। नाइट्रोजन के अगर एक ही साइड पे कार्बन का ग्रुप है और 2 हाइड्रोजन है, दैट इज टर्म्ड एज प्राइमरी एमीन, और इसको मैं यहाँ पे 1 डिग्री एमीन मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये प्राइमरी एमीन हो गया। क्या ये प्राइमरी एमीन है? जी हाँ, ये एक प्राइमरी एमीन है, क्योंकि यहां भी नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है और एक आप लोगों का ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है। आइए इधर, क्या ये आप लोगों का 1 डिग्री है? जी नहीं, नाइट्रोजन के राइट साइड और लेफ्ट साइड पर 2 कार्बन है, यानी कि ये आपका 2 डिग्री हो गया, और उसी तरीके से ये आपका 3 डिग्री हो गया। एमीन्स चैप्टर तक आप लोग आ गए हैं, तो आई होप आप लोगों को 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का ठीक ठाक अनुमान होगा। तो यहां पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आपको इस तरीके से देखना है। ये हो गया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री या प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एक क्लासिफिकेशन, आप लोगों ने जान लिया एमीन्स के बारे में। चलिए बात करते हैं इसके थोड़े से स्ट्रक्चर के बारे में। जो मैं कह रहा था ये थोड़ा सा गलत है और ये आप लोगों का सही है, ध्यान से देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। दोस्तों, किसकी बात करेंगे हम लोग? हाइब्रिडाइजेशन की। तो मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले आप लोगों को बता दूं हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है। दोस्तों, हाइब्रिडाइजेशन अगर आप लोगों को आपकी 11th याद है, इफ यू रिमेंबर, हाइब्रिडाइजेशन होती है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का सम। सही है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का सम। अगर मैं आपको बोलूंगा लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का सम 4 है, यानी कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं मेरे पास कोई एलिमेंट है या मैं आप लोगों को कार्बन ही लगा देता हूं और बोल देता हूं यहां पे इसके 4 बॉन्ड हैं, तो
तो आप लोग बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन हो गई है आपकी फोर, और फोर के लिए जो शेप होती है वो होती है टेट्राहेड्रल, और जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। सही है, ये बॉन्ड एंगल आप लोगों का हर जगह सेम रहेगा, यानी कि यहां यहां कंपेयर कर लो, यहां यहां कंपेयर कर लो, बॉन्ड एंगल आपका बिल्कुल एग्जैक्ट वही रहने वाला है। जब हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, फोर होगी, इसका शेप क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। अगर मैं अब बात करूं आपके अमोनिया की, दिस इज अमोनिया, ठीक है, एमीन की बात बाद में करेंगे, पहले अमोनिया को जान लेते हैं क्या है ये। अब देखिए ध्यान से, मैंने एक बॉन्ड पेयर हटाया और मैंने एक लगा दिया आप लोगों के लिए लोन पेयर। मैंने बॉन्ड पेयर हटा के क्या लगा दिया आप लोगों के लिए दोस्तों, लोन पेयर। क्या फर्क पड़ा लोन पेयर का, इस बात को जानो। देखिए यहां पे हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, आप लोग बोलेंगे यहां पे हाइब्रिडाइजेशन का सम भी 4 है, यहां पे भी 4 था हाइब्रिडाइजेशन का सम, यहां पे भी हाइब्रिडाइजेशन का सम 4 था। जब हाइब्रिडाइजेशन का सम 4 होता है तो वो होती है sp3। यहां पे ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहां पे ये नाइट्रोजन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि एक लोन पेयर और 3 आपको बॉन्ड पेयर चमक रहे होंगे। बॉन्ड एंगल क्या सर 109 डिग्री 28 मिनट होगा, बिल्कुल भी नहीं। देखिए होता क्या है, आप लोगों की लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। तो मैं यहां पे पॉइंट बना के लिख देता हूं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ठीक है इन लोन पेयर इज मोर देन बॉन्ड पेयर। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोस्तों ज्यादा है लोन पेयर में एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड एंगल में केवल और केवल बॉन्ड्स पार्टिसिपेट करते हैं, लोन पेयर बॉन्ड एंगल में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो मैं बॉन्ड एंगल लोन पेयर बॉन्ड पेयर में नहीं बता सकता, मैं केवल और केवल यहां बता सकता हूं। और मैं आपको बोलूंगा कि यह है हमारा 107 डिग्री के करीब। कितने डिग्री के करीब, 107 डिग्री के करीब। क्यों है, क्योंकि आप लोगों का इस लोन पेयर ने यहां पे इन बॉन्ड्स को पुश किया है, और इन बॉन्ड्स को पुश करने पर ये बॉन्ड एंगल कम हो गया है, तो 109 से घट करके 107 के करीब आप लोगों का हो गया है। अब चलते हैं हम अपने एमीन्स के बारे में। देखिए एमीन्स की अगर मैं बात करूंगा तो नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन हटा करके आप लोगों ने एक CH3 ग्रुप ही तो लगाया है, सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप लगाया है आप लोगों ने, या दो मिथाइल ग्रुप लगा लो या 3 मिथाइल ग्रुप लगा लो, ठीक है, तो ये आप लोगों का 3 डिग्री एमीन बनाया मैंने। अब नाइट्रोजन पे लोन पेयर तो होता ही है, बिल्कुल होता है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर तो होता ही है। अब बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा और अब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम होती है, 1 2 3 4 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन 4। नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp3 रहेगी अगर आप लोगों की, तो इसके बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूं तो ये आप लोग का बॉन्ड एंगल हो जाएगा, और इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा लगभग 108 डिग्री। सर अब ये क्या हो गया, बड़े ध्यान से देखिए, यहां पे आप लोगों का ये हाइड्रोजन, रुकिए यहां पे आप लोगों का ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन था। अब यहां पे ये CH3 और ये CH3 ग्रुप है, तो इनके बीच में भी क्या लगने वाले हैं, रिपल्शन, और इस रिपल्शन का नाम होता है NBEPR, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। इसको लिख सकते हैं आप लोग, नोट डाउन कर सकते हैं, NBEPR, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, यानी के वो रिपल्शन जो आप लोगों की ग्रुप की वजह से होती है। तो ये मोटे मोटे ग्रुप की वजह से जो रिपल्शन होगी, तो ये बॉन्ड और बॉन्ड आपस में खुल जाएंगे रिपल्शन की वजह से, और बॉन्ड एंगल आप लोगों का बढ़ जाएगा। तो कायदे से आप लोग ये 3 कंपेयर कर सकते हैं। अगर मैं शेप की बात करूं तो लोन पेयर शेप में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो इसकी आएगी पिरामिडल, तो शेप आएगी इसकी पिरामिडल, तो ये देख सकते हैं आप लोग पिरामिड बन रहा है, अगेन ये भी पिरामिडल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अमोनिया का भी स्ट्रक्चर हो गया और एमीन्स का भी स्ट्रक्चर हो गया। तो मैंने यहां पे आपको एमीन्स का स्ट्रक्चर पढ़ाना था, तो सारी की सारी हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल मैंने आपको उन दोनों चीजों से कंपेयर करके क्लियरली बहुत अच्छे से यहां पे समझा दिया। इसको नोट डाउन कर लें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको कायदे से हटा देता हूं और हम लोग बढ़ेंगे इसके बाद आगे, ठीक है। तो हम इसको हटा देते हैं, राइट, हमने इसको हटा दिया है,
चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और हम लोग यहां पे बात करेंगे अपने कॉमन नेम्स एंड अपने IUPAC नेम्स के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग बात किसकी करेंगे, अपने IUPAC नेम्स और अपने कॉमन नेम्स के बारे में, सही है, और अपने कॉमन नेम्स के बारे में, राइट। चलिए कॉमन नेम्स और IUPAC नेम कैसे करते हैं हम लोग इस चैप्टर के अंदर वो देखेंगे जरा। अगर मैं आप लोगों के लिए कोई एमीन बनाऊं तो आप लोग बोलेंगे सिंपल सा बना दीजिए सर, पहले CH3NH2 बना दीजिए, ठीक है। तो आप लोग ये बोलेंगे अब यहाँ पर कि इसका जो IUPAC नेम होगा वो किस हिसाब से दोगे आप लोग, एल्केन एमीन के हिसाब से, एल्केन एमीन, ठीक है। और आप लोगों को अगर कॉमन नेम देना पड़ेगा तो आप लोग देंगे एल्काइल एमीन के हिसाब से, एल्काइल एमीन के हिसाब से, सही है। आप लोग को समझ में आ रहा है क्लियरली, आप लोग को मैं दो समझाता हूँ फिर एक पूरा टेबल आप लोगों के लिए बनाऊंगा जिसमें आप लोग को बहुत जल्दी समझा दूंगा मैं। देखिए ये क्या है आप लोग का CH3NH2, CH3NH2 stands for IUPAC name की बात करूंगा तो एल्केन एमीन आप लोगों को डालना है। तो इसका यहाँ पे कितना एल्केन आएगा, आपका एक आएगा, ठीक है। तो आप लोग बोलेंगे मिथेन एमीन, मिथेन एमीन, ठीक है, ये एक साथ है, बीच में गैप जानबूझकर छोड़ा ताकि आपको क्लियरली दिखे ई नहीं है वहां पे, ठीक है। आप लोगों ने एक साथ लिखना है। कॉमन नेम्स की अगर मैं बात करूंगा तो एल्काइल एमीन डालना है तो यहां पे हम लोग डालेंगे मिथाइल एमीन, राइट। तो आप लोग देख सकते हैं कि कॉमन नेम के अंदर पीछे वर्ड यूज हुआ है एमीन, पीछे वर्ड यूज हुआ है एमीन, सही है, और यहां पे भी वर्ड यूज हुआ है एमीन, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे ये वाली पॉलिसी बिल्कुल अच्छे से। चलिए देखिए आप लोगों को अगर मैं यहां पे तीन कार्बन डाल दूं, देखिए CH3, CH2 और NH2 क्लियरली, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइलेमीन, ठीक है। और यहां पे आप लोग, अच्छा ये IUPAC है तो आप लोग बोलेंगे ये हो जाएगा प्रोपेनेमीन और कॉमन नेम की जगह आप लोग का हो जाएगा प्रोपाइलेमीन, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप लोग कार्बन बढ़ाते जाएंगे तो आप लोगों का काम होता चला जाएगा। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूं जो आप लोग देखेंगे विद इन फ्यू सेकंड्स। तो ये है कुछ और कॉमन नेम्स एंड IUPAC नेम्स जो आप लोगों को NCERT की टेक्स्ट बुक में गिवन है। तो मैं यहाँ पे कुछ आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। जैसे कि हम लोग आपको बता चुके हैं कि कॉमन नेम के अंदर आप लोगों को एल्काइल वर्ड का यूज करना है, तो यहाँ पे अगर आपको पता है इस टाइप का ग्रुप आपका आइसोप्रोपाइल कहलाता है, ये आपको याद भी रखना पड़ता है और आप पिछले चैप्टर्स में भी ये देख चुके हो कि आइसोप्रोपाइल ग्रुप क्या होता है। तो आइसोप्रोपाइल एमीन इसका नाम हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि एमीन की डिग्री 2 हो चुकी है और 2 डिग्री का नाम किस तरीके से करेंगे, इस बात को आप यहाँ पे सीखिए। यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन, ये इथाइल, ये मिथाइल, ई पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, एम बाद में आता है, तो इथाइल मिथाइल एमीन इसका कॉमन नेम हो जाएगा। कॉमन नेम की बात मैं इसकी करूं तो ये आप लोगों का 3 डिग्री हो गया है। यहां पे अब आपके तीनों ग्रुप सेम ही है तो इसका नाम सिंपल है ट्राई मिथाइल एमीन, इसका नाम आप कर सकते हैं। नीचे देखिए अब यहां पे भी 3 डिग्री है बट ग्रुप्स मैंने अलग कर दिए, 2 ग्रुप इथाइल लगे हुए हैं और 1 ब्यूटाइल आप लोगों का लगा हुआ है। अब ग्रुप्स यहां पर अलग हैं, यहां पर ग्रुप्स अब अलग हैं, ठीक है। और साथ ही ये बात देखने वाली है कि यहां पे 2 ग्रुप सेम भी लगे हुए हैं, राइट। तो इसको मैं इथाइल मिथाइल करके ना लिख के मैं यहां पे इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करूंगा कि ये 2 आपके इथाइल है और ये आपका ब्यूटाइल है, तो मैं इथाइल ब्यूटाइल नहीं लिख सकता। अब मेरे को यहां पे बताना पड़ेगा कि NN डाइइथाइल ब्यूटाइल एमीन इसका कॉमन नेम है। ये बात आप लोग को समझ में आ गई। अगर तीनों सेम होते तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता था। अगर आप लोगों का यहां पे एक ग्रुप अलग तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता था, बट यहां पे 2 ग्रुप सेम, 1 ग्रुप अलग, तो आपको नाम थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा भाई, ये कॉमन नेम है, ठीक है। अब इस टाइप के ग्रुप को आप एलाइल कहते हो, जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाले कार्बन पे ग्रुप लगा होता है उसको एलाइल कहते हैं, इसलिए इसका नाम एलाइल एमीन पड़ दिया। इसको आप लोग एनिलीन कहते हो। और बेंजीन पे अगर नाइट्रोजन पे 2 CH3 लगे हुए हैं और 1 अलग ग्रुप लगा हुआ, आप देखिए ये और ये लगभग आप लोगों का सेम ही है, तो इस तरीके से NN डाइमिथाइल एनिलीन इसका नाम हो सकता है। देखिए बेंजीन पे NH2 को एनिलीन आप लोगों ने बोला था,
तो बेंजीन पे अगर N के साथ दो CH3 लगे हुए हैं तो N N डायमिथाइल, ये दो CH3 के लिए, और बेंजीन पे अगर N और दो बॉन्ड बना रहा होता है, कायदे से उसको कह देते हो एनिलीन, इसलिए पीछे लगा दिया एनिलीन। ये थे कुछ कॉमन नेम्स। अब इनके IUPAC नेम्स की बात करते हैं जो आपको ज्यादा अच्छे से सीखनी है। तो IUPAC नेम्स के अंदर अगर आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पे नंबरिंग का यूज करना पड़ता है। 1, 2, 3, 2 पे आप लोगों का एमीन लगा हुआ है, प्रोपेन एमीन। IUPAC नेम्स के अंदर मैं आपको बता चुका हूं कि एल्केन एमीन हम लोग यूज करते हैं, एल्केन एमीन हम लोग यूज करते हैं। तो कितने कार्बन है यहाँ पे? 3 कार्बन है। 3 कार्बन में से सेकेंड कार्बन पे NH2 लगा हुआ है, तो आप लोग बोलेंगे 3 कार्बन के लिए सर आप लोग यूज करते थे प्रोपेन और 2 एमीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2 एमीन। सही है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैं बढ़ता हूं आगे। अब देखिए इसको ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर ये है 2 डिग्री, सही है। तो 2 डिग्री के अंदर आपको जो बात याद रखनी है, जिस साइड पे ज्यादा कार्बन के ग्रुप लगे हैं या जिस साइड पे ज्यादा कार्बन है उसको आप लोगों को सफिक्स बनाना है। सफिक्स का मतलब हो गया जो पीछे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहां पे इस कार्बन को जो कम कार्बन वाली साइड है उसको प्रीफिक्स बना देंगे और ज्यादा कार्बन वाली साइड को सफिक्स बना देंगे और यूज करेंगे। अब देखिए बड़े ध्यान से, N पे लगा हुआ है मिथाइल और दो कार्बन हो गए इथाइल, और इसको तो आप लोग अमीन बोलते ही हैं। तो N पे लगा मिथाइल, इथेन, अमीन। ये बात आप लोग को समझ में आ गई यार, ये बात आप लोग को समझ में आ गई। प्रीफिक्स के पीछे आइल वर्ड का यूज करते हैं, तो मैंने मिथ के बाद आइल का यूज किया है, ठीक है। और जिसका एल्केन एमीन बनाना है, ज्यादा कार्बन का एल्केन एमीन बना दिया। अब यहां पे देखो IUPAC के अंदर एक एल्केन एमीन पीछे बनाना पड़ेगा और बाकी सब प्रीफिक्स। अब यहां पे तीनों ग्रुप सेम है तो ये दो आपके प्रीफिक्स बनेंगे और ये एल्केन एमीन बना सकते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? N पे लगा है डाई। अब देखिए यहां पे अगर कार्बन होता, यहां पे अगर हम लोग, आप सीखते हैं ये वाली बात कि अगर कार्बन पे कभी दो ग्रुप लगे होते हैं इसकी नंबरिंग करनी होती है, तो कार्बन पे हम लोग नंबरिंग कर देते हैं और इसको डालते हैं 2,2 डायमिथाइल प्रोपेन, इसका IUPAC नेम होता है अगर आप लोग को याद हो इस टाइप के ग्रुप का। बट क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के ऊपर नंबरिंग नहीं करनी होती है, इसीलिए हम इसको N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ये काम सीख जाएंगे कि N पे लगाए मिथाइल और N पे लगाए मिथाइल, ठीक है। तो दो मिथाइल लगे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड NN डायमिथाइल। आप लोग कार्बन पे 2 पे लगे थे तो 2,2 डायमिथाइल बोला था आप लोगों ने, 2,2 डायमिथाइल बोला था आप लोगों ने, तो यहां पे N पे लगाए इसलिए आप लोग क्या बोलेंगे? NN डायमिथाइल मीथेन एमीन। ये बात आप लोग को समझ में आ गई। अब समझ लीजिए, ये अगर ये नहीं समझ में आया तो ये भी आप लोग का 3 डिग्री है। ज्यादा कार्बन का एल्केन एमीन बनाना है और कम कार्बन को प्रीफिक्स बनाना है। तो यहां पे C2H5 किस पे लगे? N पे लगे। तो N,N डाइइथाइल, क्योंकि C2H5 दो कार्बन का इथाइल होता है, तो डाइइथाइल प्रीफिक्स के पीछे आइल लगता है तो आइल, और ब्यूट एन, एन का ई हटा दिया और एमीन लगा दिया। ये बात आप लोग को दिख रही है। तो 4 कार्बन का एल्केन एमीन बनाया जो पीछे लगाया, और 2 कार्बन का हम लोगों ने प्रीफिक्स बनाया जो आगे लगाया। इस तरीके से कॉमन नेम किया है। कॉमन नेम करेंगे इसकी बात, तो यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है, जहां से फंक्शनल ग्रुप शुरू होता है नंबरिंग वहां से दी जाती है, ठीक है। तो ये कितने कार्बन है? प्रॉप। कितने कार्बन है? प्रॉप 2-ईन, प्रॉप 2-ईन, क्योंकि डबल बॉन्ड है, एल्केन नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, ईन आएगा, प्रॉप 2-ईन, और 1 पे लगा अमीन, तो प्रॉप 2-ईन 1-अमीन, खत्म हो गई कहानी, बहुत सिंपल। इसका देखना, बेंजीन के ऊपर NH2 को बेंजीन एमीन भी कहते हैं IUPAC में, या फिर एनिलीन भी कह सकते हैं IUPAC में, चलता है। तो इसका कॉमन नेम और हम लोग IUPAC नेम सेम लिख सकते हैं, चलता है। जैसे इस तरीके से इसको मैं क्या रिप्रेजेंट करूंगा, बेंजीन के ऊपर 2 CH3 लगे हुए, किस पे लगे हुए? N पे। तो N,N डायमिथाइल आइल लग गया, एल्काइल, क्योंकि ये प्रीफिक्स है तो पीछे आइल लग गया, डायमिथाइल बेंजीन एमीन, या फिर N,N डायमिथाइल एनिलीन भी अगर आप लोग IUPAC में लिख देते तो गलत आप लोगों का नहीं माना जाता। तो ये था आप लोगों का वीडियो नंबर 1 का सारा कंटेंट। कुछ और कॉमन नेम्स और IUPAC नेम आपकी NCERT टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड है, उसको जरूर देखिएगा। मिलते हैं हम अपनी सेकेंड वीडियो के अंदर, जिसके अंदर करेंगे हम लोग प्रिपरेशंस ऑफ एमीन्स। थैंक यू सो मच।